एनवेन्यूज रे ऑफ पॉजिटिव। नमस्कार दोस्तों, सुबह के 7 बज चुके हैं और एनवी न्यूज के हिंदी पॉडकास्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कहानियों से बहुत कुछ आपने सीखा होगा। मैं हर दिन एक नई कहानी लेकर आता हूं और उस नई कहानी के पीछे बहुत ही गूढ़ रहस्य होता है, वो रहस्य जो हमें जीवन में आगे सफल होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो बातें जो हमें और अच्छा बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं जब भी कभी हम मुसीबत में होते हैं, यही सीख हमें आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा देती है। आज भी मैं एक नई कहानी के साथ हाजिर हो चुका हूँ। फिलहाल आज की कहानी सुनते हैं। दोस्तों, कुछ शिष्य जो है महावीर स्वामी के पास अपने कुछ प्रश्नों को लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा, स्वामी जी, आपके पास आने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि किसी भी साधक का पतन किस वजह से होता है, प्रमुख कारण क्या है और पतन होता कैसे है। हमने अपने अपने विचार रखे हैं लेकिन कुछ सहमति नहीं बन पा रही है। इन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर हमें नहीं मिल पाए हैं, इसीलिए ये बातें आपसे पूछने आए हैं। महावीर स्वामी ने शिष्यों की बातें ध्यान से सुनी और कुछ देर सोचने के बाद कहा, किसी भी साधक के पतन का मुख्य कारण उसके दुर्गुण है। ये बात समझाने के लिए उन्होंने अपना कमंडल दिखाया, शिष्यों से कहा, इसे पानी में फेंक दो। शिष्यों ने कमंडल पानी में फेंक दिया, वह पानी में नहीं डूबा। तब स्वामी जी ने कहा, अगर इस कमंडल में एक छेद कर दोगे तो क्या होगा। शिष्यों ने कहा, छेद करने के बाद तो ये कमंडल पानी में डूब जाएगा स्वामी जी। स्वामी जी बोले, बस यही मनुष्य के पतन का कारण है। किसी इंसान के अंदर दुर्गुण का एक छेद भी हो जाए तो धीरे धीरे जैसे कमंडल पानी में डूब जाता है, ठीक वैसे ही बुराइयों की वजह से मनुष्य का पतन हो जाएगा। 4 छिद्र तो बहुत बड़े हैं, काम, क्रोध, लोभ और मद। इनसे हमें बचना चाहिए। दोस्तों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बुराइयों का एक छोटा सा भी अंश हमारे स्वभाव में ना आए। ये दुर्गुण बहुत सूक्ष्म रूप से हमारे स्वभाव में आते हैं और हमारे जीवन रूपी कमंडल में छेद कर देते हैं। इसके बाद हम कोई ऐसा गलत काम कर देते हैं जिससे पतन होगा, आलोचना होगी, दंड मिलेगा। इसीलिए दुर्गुणों के प्रति बहुत सतर्क रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी से क्या सीख मिलती है? अगर आपके भी अंदर कोई दुर्गुण है जिन्हें आप खुद जानते हुए भी उनसे अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज से ही ये शपथ ले लीजिए कि उन दुर्गुणों को धीरे धीरे करके नष्ट कर देना है। क्योंकि अगर आपने उन दुर्गुणों को नष्ट करने की कोशिश नहीं की तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद नष्ट हो चुके होंगे। मैं कल प्रातः 7 बजे फिर से मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।